हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदनास कैफे। तो कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ जीरा बिस्किट। तो शाम को हमें चाय और कॉफी हमारी फेवरेट होती है, और उसके साथ कुछ अच्छा सा बिस्किट मिल जाए, कुछ मीठे थोड़ा नमकीन। तो बिस्किट का वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया, मैंने आटे वाले भी बताए हैं और आपको कराची बिस्किट भी बनाना बताया है। तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा वंदनास कैफे को। तो यहाँ पर मैंने ये आधा कप बटर ले लिया है, यह हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। देखिए एकदम सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है। एक कप मैदा लिया है, आधा कप हमने आटा लिया है, 2 टेबलस्पून हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून हमने शुगर लिए, 2 टेबलस्पून हमने जीरा लिया है, साबित जीरा है। ये देखिए अभी इसको हम भूनेंगे। और थोड़ा सा हमने सॉल्ट लिया, बटर हमने क्योंकि सॉल्टेड वाला लिया है तो इसमें सॉल्ट की क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे। तो पहले हम शुगर और इसको अच्छे से छान के बीट करेंगे। तो इसको बीट करना बहुत जरूरी है, इसमें हवा हमें करनी है क्योंकि बेकरी की खासियत यही होती है कि, और आपको नाप तोल का बिल्कुल ध्यान रखना है, इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो देखिए आइए हम शुगर को छान लेते हैं, थोड़ा सा इसमें लम्स हो तो इसको भी अच्छे से हम छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी अगर मोटी शक्कर होगी तो वो हो जाएगी। तो देखिए थोड़ी मेरी मोटी शक्कर थी तो छलनी में आ गई है, तो इसको रख देते हैं साइड में और इसको अब हम बीट करना शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको फ्लफी होने तक हम अच्छे से 2 से 3 मिनट इस प्रोसेस को लगता है कि 2 से 3 मिनट हो गए, काफ़ी अच्छे से ये फ्लफी हो गया है। अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से भी ये काम को प्रोसेस कर सकते हैं, फास्ट थोड़ा हो जाएगा। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में, ये ऑलमोस्ट डन है। तो आइए हम थोड़ा सा जीरे को भून लेते हैं। तो यहाँ पे जीरा को भूनना बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है क्योंकि भुना हुआ जीरा काफी अच्छा टेस्ट देता है इसमें और काफी अच्छी खुशबू भी आती है। तो इस चीज को आप स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घी में भी वाले बिस्किट बना के तैयार कर सकते हैं, अपने खाने में लाजवाब है। पर बेकरी में मैंने देखा है कि वो बटर ही यूज करते, तो मैंने उसी चीज को फॉलो करके आपके लिए भी लाई हूँ। तो इसी प्रोसेस को हम फॉलो करके और जीरे को हम एकदम खुशबू आने तक भूनना है। और बिल्कुल इसको थोड़ा सा दरदरा हम कूट लेंगे, हम इसमें जीरा पाउडर का यूज नहीं कर सकते, प्लीज इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। नहीं तो आप सोचेंगे हमारे पास जीरा पाउडर है हम वो डाल देते, पर नहीं, हमें साबित जीरे को ही भूनना है थोड़ी सी देर। और जीरा हमें बिल्कुल इंस्टेंट वाला ही चाहिए, बिल्कुल भुना हुआ तुरंत हम भुनेंगे और हमारे बिस्किट में डाल के तैयार करेंगे। और इसको फिर हम थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे, कूटना भी हमें ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा इसका, बस थोड़ी सी खुशबू आ जाए बस। तो ये ऑलमोस्ट भुन के तैयार है। तो मैंने इसको कूटने वाले में डाल दिया है और बिल्कुल हल्का सा इसको बिल्कुल हम 1-2 राउंड घुमाएंगे, बस हल्का सा करना है, बस इसकी खुशबू थोड़ी सी बाहर आ जाए, बस हमें इसको इतना ही करना है क्योंकि अभी ये और भुनेगा तो इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो देखिए मैंने सिर्फ इसको इतना ही भुना, क्रश करा है, देखिए बस इतना ही हमें करना है। और इसको रख देते हैं साइड में और हमारे नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम आ जाते हैं। तो वही हमारा ये तैयार है। तो अब हम फिर से छलनी लेंगे, तो हमें सारी चीजें छान के ही लेनी है। तो पहले हम आधा कप गेहूं का आटा ऐड कर देंगे, आप चाहे तो मैदे से भी पूरा बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया है थोड़ा और हेल्दी बनाने के लिए। तो इसमें हमने मैदा भी डाल दिया। पहले हम इन 2 चीज़ों को छान लेंगे अच्छे से। तो छानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आटे में कोई लम्स होंगे या कोई कचरा होगा, कुछ भी होगा, तो इसमें ये छन्नी में आ जाएगा और हमारा आटा हो जब हम छानते हैं ना तो काफ़ी फ्लफी बन जाता है। तो देखिए अब इसी में हम कस्टर्ड पाउडर भी डाल के इसको भी छान लेंगे। तो सब चीज़ों को छानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल थोड़ा येलो कलर आए, तो देखिए हम इसमें कलर के लिए, येलो लाने के लिए हम कोई केमिकल नहीं ऐड कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं कस्टर्ड पाउडर। तो अब इसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं डाल रही हूँ, प्लीज इस चीज का आपको ध्यान जरूर रखना है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, बस इसको भी डाल देंगे और हमारा जो जीरा तैयार है उसको भी हम सारा ऐड कर देंगे। तो इसी तरीके से हम इसको भी अच्छे से कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा ऐड कर दिया, 2 से 3 टेबलस्पून जीरा हमने लिया था, 2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे से हमें मिक्स करना है और इसको एक डो की तरह, इसमें पानी नहीं जाएगा बिल्कुल भी, कि इसी डो में ही गूंद के तैयार करना पड़ता है क्योंकि अगर आप पानी और दूध डाल देंगे ना तो ये जो डो है वो थोड़ा सा लिक्विडी हो जाएगा। तो बस आपको इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना है। देखिए मैं वीडियो को रोक नहीं रही हूँ, बिल्कुल आपको लाइव दिखा रही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैं इसमें से थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, इसमें बटर काफ़ी चिपक गया, तो इसको हम बाहर कर लेंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। तो आइए इसको गूंदना शुरू करते हैं।
तो हमें इसमें दूध भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो मैंने आपका उसका सॉल्यूशन भी आपको मैंने बता दिया है कि उसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हैं। तो मैंने नान खटाई भी बनाई है, वो भी देख सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। तो वो भी आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा वन्नास कैफे को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आपको कौन से बिस्किट ज़्यादा अच्छे लगते हैं प्लीज़ मुझे वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए वाले बिस्किट भी आपको बनाना ज़रूर बताऊँगी। तो देखिए बातों बातों में हमारा डो भी बिल्कुल तैयार है, तो आइए इसको हम बेलना शुरू करेंगे। तो आइए इसको आप बेलने की शुरुआत करते हैं। तो हमारा डो लेंगे, तो यहाँ पे मैंने सारा ले लिया, इसको एक मिनट के लिए हम अपने हाथों से अच्छे से इसको मसलेंगे। इसको ज़्यादा नहीं हमें मसलना है, जैसे आप आटा गूंथते हैं ना उस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं गूंथना है। आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा बिखर रहा है, क्योंकि बिखर इसलिए रहा है क्योंकि हमने इसमें बटर डाला और इसको हमने ज़्यादा नहीं गूंथा है, क्योंकि हमारा जो डो होता है रोटी की चपाती से थोड़ा ये डिफरेंट होता है और इसका टेक्स्चर भी थोड़ा अलग होता है। अभी हम बेलेंगे तो इसमें थोड़ी सी दरारें भी पड़ेंगी, तो डोंट वरी, डरने की कोई बात नहीं है। ये देखिए बस इसको इसी तरीके से हमें बेलना है। यहाँ पे मैं इस तरीके से आपको बता देती हूँ, और इसके बिस्किट और थिकनेस कितनी रखनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसको बार बार नहीं उठा रही हूँ, मैं अपने इसको उठा उठा के घुमा घुमा के इस तरीके से मैं बेल दूंगी। देखिए इसमें कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, और ज्यादा हमें पतला बेलने की भी जरूरत नहीं है और हमें कोई कलर डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। अक्सर आपने बाहर देखे होंगे कि वो थोड़ा सा येलो कलर होता है, तो वो भी यही यूज करते हैं, तो मैं भी बिल्कुल आपको उसी तरीके से ही दिखा रही हूँ। देखिए इसको हमने ना ज्यादा मोटा बेला है ना ज्यादा पतला बेला है, क्योंकि बिस्किट हमेशा थोड़े से, ये वाले जो बिस्किट होते हैं जीरा बिस्किट, ये थोड़े मोटे ही होते हैं। तो हम इसके जो साइड्स है ये हटा देंगे इस तरीके से। देखिए इसकी थिकनेस मैं आपको बता देती हूँ, ये जो साइड का हमने कट करा है इतनी इसकी थिकनेस है। तो इसी तरीके से हम इसको, इसकी जो साइड्स है इसको हम निकाल देंगे। यहाँ पे मैं वीडियो को रोक नहीं रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको बेल के तैयार कर लिया है। तो हमारा बिस्किट तैयार है, और आपको जो भी शेप चाहिए आप अपने हिसाब से इस बिस्किट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह, आप भी इसी तरीके से ये देखिए, थोड़ा सा अभी ये हमारा डो थोड़ा ऐसा है ना, जस्ट अभी हमने इसको करा है तो वो मेल्ट हो रहा है बटर, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी ज़्यादा है। बट डोंट वरी, ये जाने के लिए तैयार है। बेकिंग ट्रे पे इसको रख देंगे, यहाँ पे मैंने बटर पेपर लगा दिया है, तो बटर पेपर पे हम इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे। काफ़ी हद से अच्छे से अरेंज हो चुके हैं और अब आसानी से निकल भी रहे हैं। तो बस देखिए आप इसकी थिकनेस और इसका शेप टोटली आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अरेंज कर देंगे और हमारे अवन को प्री हीट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास अवन नहीं है तो मैंने आपको कढ़ाई वाला प्रोसेस भी बताया है नान खटाई में, कि आप उसमें भी बना सकते हैं। तो ये उतने ही लाजवाब बनते हैं, और थोड़े दूरी दूरी पे रखिएगा ताकि ये जब बेक होंगे तो ये थोड़े से फूल के तैयार होंगे। तो बस इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर रखना है। और जो अब डो अगर आपका हो जाए तो मैंने आपको सारी चीज़ें वो भी बता दी है, अवन को कितना प्री हीट करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले ये बिस्किट को अच्छे से अरेंज कर लेंगे, थोड़ी सी शेप अगर बिगड़ जाती है तो उसको हाथ से आप इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। इनके बीच में मैंने इतना गैप रखा है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा प्लीज़, इस चीज़ का आपको ध्यान जरूर देखिए, वीडियो को एंड तक भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए इसको बेक करने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पर मैं 200 सेल्सियस पर मैंने रखा है, और प्री हीट इसका करेंगे हम 10 मिनट के लिए, और इसका टाइम हम चेक करके देख लेंगे बीच में कि इसको हमें कितनी देर और बेक करना है। वैसे 10 मिनट में ये बेक होके तैयार हो जाएंगे, तो मैं आपके साथ उसका वीडियो भी शेयर ज़रूर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसको आप डालते हैं हमारे बेक होने के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और ये फूल के डबल होने शुरू हो गए हैं, तो बस आपको इसी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए इसको हम निकालना शुरू करते हैं। देखिए अच्छे से बेक हो गए, और मेरे टॉप पे थोड़ा सा इस पे जीरा भी लगा दिया ताकि पता चले कि जीरा बिस्किट है। कुछ को हमने प्लेन रखा है क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं खाएंगे, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और ये देखिए कितने सॉफ्ट बने और कितने खस्ता बने, एकदम माउथ
में घुल जाएंगे और इतने टेस्टी बने हैं, तो एक बार तो ये बिस्किट, जीरा बिस्किट बनाना ट्राई करना तो बनता है। तो आप भी बनाइएगा और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है इसको लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, उस चीज़ को आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। तो इंजॉय कीजिए, आप गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाइए या चाय बनाइए, किसी के साथ भी बनाइए और इसको इंजॉय कीजिए।